नमस्ते दोस्तों, मैं कुसुम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको अरवी का पत्ता का पकौड़ा बनाना बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अरवी का नरम नरम पत्ता ले लिया, अच्छी तरह से धो के और काट लेंगे, का डंठल काट लेंगे। एक गिलास चने की दाल हमने पानी में भिगो दिया है। अब यह दाल फूल गई है, 4-5 घंटा लग गया इसको फूलने में। अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। हमने धो लिया है, इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। अब हमने 2 चम्मच पानी डाल के इसको पीस लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप बेसन से भी बना सकते हैं पर यह और टेस्टी होता है, थोड़ा सा दरदरा बेसन रहता है। पकौड़ा बनाने के लिए हमने दाल को पीस लिया है। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक, स्वादानुसार नमक। अब इसमें हम अरवी का पत्ता डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने 1/2 चम्मच हल्दी ले लिया है, 1/2 छोटा चम्मच, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है, इसे आप डालेंगे तो यह क्रिस्पी होगा। अब इसमें एक प्याज डालूंगी, ये बिना प्याज का भी बनता है। अब ऐसे छोटा छोटा गोल बना के हम ऐसे चिट्टा कर लेंगे। और इसे फ्राई करेंगे। अब एक तरफ हो गया, इसी तरह हम पलट देंगे। अब यह गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। इस तरह से छोटा छोटा भी बना सकते हैं पकौड़ी की तरह। अब एक तरफ हो गया है, इसको हम इसी तरह से पलट देंगे। अब हमने सारा पकौड़ा छान लिया है, इसे मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। सरसों के तेल में यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब यह अरवी का पकौड़ा तैयार है। इसे आप चाय के साथ या चटनी के साथ किसी भी तरह से खा सकते हैं, यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अरवी का पत्ता का चटनी बनाने के लिए हमने 4 हरी लाल मिर्च को काट लिया है। ये हरी मिर्च है, लाल हो गई है। और 1/2 चम्मच नमक है और छोटे छोटे पत्ते हैं थोड़े से। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। तवे पे हमने थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए डाल दिया है। अब इसमें भी हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे। इसी तरह अब इसको एक प्लेट से ढक के धीमी आंच पे पका लेंगे। दो मिनट बाद हम ऐसे इसको पलट देंगे। पलट के इस चटनी में हमने अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, इसे आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।